हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जब औरत किसी आदमी को कामयाब बना सकती है तो एक देश को क्यों नहीं। इंदिरा गांधी, यह नाम है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का, एक ऐसा नाम जिसके साथ जितनी खुशहाली जुड़ी है उतनी ही बदनामी भी जुड़ी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उनके शुरुआती दिनों में वे अपनी माँ के साथ ही समय गुजारा करती थी। उनके पिता नेहरू ज्यादातर राजनीतिक कारणों से बाहर ही रहते थे। इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी में तेजी से काम करके अपनी मौजूदगी सबको जता दी थी। 1966 में शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। 1969 में कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ने के कारण पुराने कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में सिंडिकेट कांग्रेस और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंडिकेट कांग्रेस, ऐसे दो गुटों का जन्म हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, इस लड़ाई में भारत की जीत के असली हकदार इंदिरा गांधी ही थी। जहां 1971 में इंदिरा ने जंग जीतकर भारत की ताकत दिखाई, वहीं 1972 में शिमला समझौता करने से पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ताकत होना ही नहीं बल्कि नम्रता दिखाना ही असली ताकतवर देश की निशानी है। इंदिरा गांधी अगर बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 1971 की जीत की हकदार हैं, तो 1975 की इमरजेंसी और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद होने वाले दंगों का दाग भी उनके माथे ही लगा। देश के लिए इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी यादें हैं, तो वहीं बहुत सारे ना भुलाने वाले बुरे किस्से भी जुड़े हैं। अफसोस की बात यह रही कि उनके कुछ गलत फैसले अच्छे फैसलों पर भारी पड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को उनके सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों और भारतीय राजनीति पर ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कोई भी नहीं मिटा पाएगा। और जब भी बेबाक फैसलों या चतुर राजनीति की बात होगी, तब इंदिरा गांधी का नाम जरूर आएगा। शिवम, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।